गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतक श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे गुरुपाद शिक्षा गुरुदेव मितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदावन को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में अभी जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम श्री जगन्नाथ बल्लभ वाटिका। बल्लभ मतलब होता है जगन्नाथ जी का जो प्रिय वाटिका। पहले इसमें ऐसे कोई फूल नहीं, ऐसे कोई फल नहीं जिसमें इसमें नहीं हुआ करता था। एक है सारे फल फूल तुलसी ये सब के सब यहाँ से जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की सेवा के लिए जाया करता था। इसलिए जगन्नाथ जी का प्रिय बल्लभ। यहाँ पर एक दहिना वृक्ष है जो बड़ा खुशबू है, बड़ा सुगंधी है। यहाँ पर कृष्ण बलराम आकर के कहते यहाँ से चोरी करके वो पेड़ को यहाँ से ले जाते हैं श्री जगन्नाथ जी। और रथ यात्रा के समय में जब रथ को लेकर के आते थे, महाप्रभु का भाव क्या है, संत प्राण रथ पाई नु जाह लागे मदन दहने झोरी कर। मतलब वही मेरे जो प्रियतम है जो कृष्ण, जिनको साथ में हम वृंदावन में मिलते थे, कुंज कुंज में विहार करते थे, बड़े दिनों के बाद में रथ यात्रा मतलब किया है, जब राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में कृष्ण को बैठा करके ले जा रहे हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र से ले जा रहे हैं उनको वृंदावन में। जब रथ को लाते लाते यहीं पर खड़ी जगन्नाथ जी का रथ यहीं पर खड़े होता था, तो महाप्रभु इसी बगीचा में आकर के राधा रानी का विरह में, राधा जी के भाव में यहीं पर आकर के बेहोश होकर पड़े रहते थे। हैं? इसलिए जिस समय महाप्रभु आए तो राजा दो प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलना चाहते थे। महाप्रभु बल में विषय से मिलना नहीं चाहता, लेकिन महाप्रभु का जो भक्तों का इच्छा किया है, क्योंकि भक्तों का बड़े सेवा करते हैं राजा, उनकी इच्छा है इनको महाप्रभु का दर्शन और इनकी सेवा प्राप्त हो। यहीं पर महाप्रभु आकर के एकदम राधा जी के भाव में बेहोश होकर पड़े रहते थे। इतने में जितने जो महाप्रभु का सेवक लोग थे, बोले जल्दी जल्दी आओ, हाँ करके राज पोशाक को त्याग दो और एक साधारण धोती पहन करके महाप्रभु के चरण की सेवा करो और उनकी गोपी गीत गाओ। जब उन्होंने गोपी गीत गाए, जय तीर्थधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सास्वदात्रहि दैतदृक्षतां दीक्षुतावका त्वयि धृतात्सव त्वानुचिनोति। जब बोलते बोलते उन्होंने बोले, तब कथा मृतं ताप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवणमाङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाय। जब उन्होंने ये भजन को गाए, महाप्रभु सुन करके प्रेम में गदगद हो गए, क्योंकि जो महाप्रभु राधा जी के अभाव में कहते जो कृष्ण दर्शन मिलन और उनकी जो कथा में कोई फर्क नहीं, इसलिए किसने मेरे को ये कृष्ण कथा रूपी अमृत मेरे को पिलाया है। इतने में महाप्रभु जैसे कुछ नहीं जानते, सब जानते हैं, महाप्रभु ने राजा को उन्होंने आलिंगन किया है। जब आलिंगन किया राजा तो गदगद हो गए, महाप्रभु का चरण की सेवा फिर उनका आलिंगन मिला यहीं पर। और यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में, और वहाँ पर गोविंद जी घर के सामने वहीं पर बैठे रहते थे। कभी महाप्रभु पूरा मंदिर छोड़ कर के चले आते थे, कभी सिंगल दरवाजा में, कभी समुद्र में छलांग लगा देते थे, कभी कभी यहाँ पर और कभी कभी गुंडिचा मंदिर में। चार स्थान में महाप्रभु मिलते थे, सारे दरवाजे को दरवाजा बंद। एक दिन महाप्रभु इसी में आकर के जैसे श्रीमती राधा रानी को साथ में कृष्ण पूर्णिमा रात को विहार करते थे, यहीं पर आकर के राधा रानी को भाव में जैसे कुंज में जैसे कभी कभी कृष्ण राधा रानी जैसे कृष्ण को ढूंढती हैं, ऐसे ही यहाँ पर एकदम कुंज बड़ा सुंदर वृक्ष था। महाप्रभु पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करते हुए जैसे वृंदावन में कृष्ण रास रचाते हैं, हर पेड़ को आड़ में महाप्रभु राधा जी के भाव में श्याम सुंदर को यहीं पर ढूंढा करते थे। श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ है।
इसलिए इसी में ही महाप्रभु आकर के वृंदावन भाव में यहीं आकर के कभी कभी बेहस होकर पड़े रहते थे। फिर स्वरूप दामोदर राय रामानंद आकर के महाप्रभु को यहीं से ले करके फिर जाते थे गंगा में, और ये स्थान में रहते थे कौन, श्री राय रामानंद रहते थे। कहते राय रामानंद कौन है, कहते जैसे महाप्रभु पूर्ण है उनका परिकर भी पूर्ण है, उनके अंदर में कहते चार स्वरूप इनके अंदर में था, मूल रूप में वो विशाखा थे और उनके अंदर में ललिता का कुछ अंश है। फिर ये अर्जुना सखे उनके अंदर में, अर्जुना सखे इनके अंदर में, फिर तो ये राय रामानंद है ही महाप्रभु का परिकर। इसलिए चार स्वरूप श्री राय रामानंद के अंदर में जब यहीं पर वो रहते थे, एक प्रद्युम्न मिश्र उन्होंने कृष्ण कथा सुनने के लिए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, हमें कृष्ण कथा सुना। तो महाप्रभु बोले अगर तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो राय रामानंद के पास में तुम चले जाओ। तो उन्होंने आए यहीं पर आकर के लोग को पीछे राय रामानंद यहीं रहते, बोले हाँ यहीं पर राय रामानंद का भवन यहीं पर था। लेकिन वो क्या करते थे, जगन्नाथ वल्लभ जो नाटक लिखे हुए और जो देवदासी जो जिनका उम्र 20 साल 25 साल 15 16 साल के इसे लड़कियों को उन्होंने बड़े सुंदर श्रृंगार करते थे अपने हाथों से, श्रृंगार करके जगन्नाथ जी को सामने नृत्य उनका नृत्य करवाया करते थे, जगन्नाथ जी प्रसन्न होते थे। तो उन्होंने पूछा वो क्या कर रहे हैं, हम बोले लड़कियों को श्रृंगार कर रहे हैं। उनका मन तो खराब हो गया, हमें कैसे साधु, हमने कथा सुनने के लिए आए 15-20 साल 25 साल लड़कियों को अपना हाथों से श्रृंगार कैसे करते हैं, ये कोई साधु का चरित्र है। उनका मन खराब हो गया, चले गए। फिर महाप्रभु बोले आप ही कथा सुना, बोले नहीं महाप्रभु तो सर्वंतर जी हम सब जानते, बोले नहीं कथा सुनना तो उनके पास में जाकर कृष्ण कथा सुनना, मेरे से कुछ ज़्यादा जानते। फिर आए, जब फिर आए सचमुच से जब राय रामानंद प्रभु से कथा सुनना, क्या कथा, जैसे राय रामानंद संवाद महाप्रभु के साथ में हुई थी, रस का जो स्टेजेस हैं कैसे वर्णाश्रम साधन करना, धर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा फिर शुद्ध भक्ति, उसमें भी शांत दास्य सत्य वात्सल्य मधुर मधुर रस में भी, फिर राधा रानी के प्रेम की वैचित्रता, फिर उसमें राधा रानी के सर्वश्रेष्ठत्व, उन्होंने कृष्ण तत्व रस तत्व प्रेम तत्व उन्होंने इतनी कथा सुनाए, प्रद्युम्न मिश्र तो सुन सुनकर प्रेम में गदगद हो गए। बोले मैंने इसे कथा कभी नहीं सुना, क्या कथा, कथा नहीं जैसे अमृत की धार बह रही थी। फिर उनका चरण में माफ़ी मांगे, बोले अगर आपसे कथा नहीं सुनता तो आपका चरण में मेरा अपराध हो जाता, इसलिए महाप्रभु ने बचा दिया आपका ये व्यवहार दे करके। कहते काष्टर पुतुल हरे मुनि अभिमान, कहते जो लकड़ी का जो स्त्री मूर्ति बड़े बड़े मुनि लोगों का मन भी भ्रमित कर देता है, लेकिन ये साक्षात रूप में लड़कियों को श्रृंगार करते कभी कोई विकार नहीं, क्यों, वो तो विशाखा सती है ना, वो स्वयं विशाखा सती अनुराधा। महाप्रभु जिनके पास में प्रेम गुरु मान करके प्रेम तत्व जिनके पास में वो शिक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए यहीं से राम रामानंद रोज जाते थे कहाँ पर गंभीराम, और वहीं पर रात भर स्वरूप दामोदर राय रामानंद एकदम राधा रानी के भाव में महाप्रभु होते थे, और उनके प्रेम के अनुरूप भाव के अनुरूप उनको कथा सुनाया करते थे, और उनका भाव को उन्होंने ऊपर धीरे 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 बढ़ाया करते थे, रात भर कृष्ण कथा में जीवन बिताते थे। इसलिए यहीं से राय रामानंद रोज जाते थे, इसलिए ये राय रामानंद का ये भजन स्थल ही यहीं पर, राय रामानंद गवर्नर थे उस समय में, इसलिए यहीं पर वो रहते थे, यहीं से जाया करते थे, इसलिए ये राय रामानंद स्थान महाप्रभु यहीं पर आए थे, यहाँ पर सारे भक्त लोग भी यहीं पर आए थे, इसलिए स्थान अत्यंत अत्यंत हम लोगों के लिए पवित्र स्थान है। बोले श्री राय रामानंद प्रभु की सपरिकर गौर हरि की बिताई गौर प्रमानंद।